जब राक्षस ने प्यारा पिल्ला को निशाना बनाया तो ताबे ने तुरंत घोड़े की सवारी की। उन्होंने राक्षस की लोहे की टोपी को हराना जारी रखा। बड़े ट्रंक के उद्देश्य से टोपी पर लेजर। बहुत जल्दी राक्षस ने हमला शुरू किया, लेकिन सौभाग्य से कुत्ते को जीवन भर। एक दौर का अवलोकन करने के बाद फी टाइयू ने दिल में चाकू मार दिया। नारू ने इन सभी दृश्यों को देखा। राक्षस ने लोहे की टोपी खो दी, गुस्सा होने लगा। लक्ष्य को एक घोड़े की सवारी करने के लिए टारगेट बदल दिया। इसने तुरंत दूसरी नाक को गोली मार दी। तीर और ताबे एक दूसरे के पास से गुजरने के बाद तीर एक बार फिर से दिल से टकरा गया। उसके कुछ समय बाद तीसरी नाक को गोली मार दी गई। ताबे को आसानी से बच गया। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि फी टाइयू ने फिर से दिल को नहीं मारा। लेजर रे स्वचालित रूप से बंद हो गया। नारू ने देखा कि उसके सिर में एक बोल्ड विचार। राक्षस ने टोपी को वापस जमीन पर उठाया। जब तक कैब ने शूट करने के लिए एक चाप का उपयोग किया, तब तक राक्षस ने तुरंत शील्ड्स का उपयोग करना बंद कर दिया। अचानक नारू लड़ने के लिए बंदूक का उपयोग करने के लिए बाहर चला गया। जब ट्रिगर को पता चला कि बंदूक गोलियों से बाहर थी, वह केवल ध्यान देने के लिए एक राक्षस को चिल्ला सकती थी। ताबे ने उसके अर्थ को समझा, तुरंत बदल गया और राक्षस की छाती में चाकू मार दिया। जब उन्होंने जमीन को छुआ तो उन्होंने एक और नाम की ओर शूट करना जारी रखा, लेकिन तन्मय राक्षस डर नहीं था। इसने तलवार को बाहर निकाला। छाती पर घाव कुछ भी प्रभावित नहीं करता है। जब ताबे ने उस पर लक्ष्य मारा तो यह जल्दी से बिना निशान के चुपके से। ताबे ने राक्षस के ठिकाने की खोज के लिए नारू के साथ धनुष स्ट्रिंग को बढ़ाया। अचानक वहाँ एक हवा बह रही थी। ताबे को कुछ बुरा होने के बारे में पता था। बहुत जल्दी राक्षस ने ताबे की छाती को चाकू मार दिया। जब राक्षस नारू में आया तो ताबे ने इसे रोकने के लिए थोड़ी ताकत का इस्तेमाल किया। राक्षस ने संकोच नहीं किया, निश्चित रूप से उसे ताए थियन को देखा। ताबे ने नारू का उपयोग नारू की रक्षा के लिए किया, बदले में उसके भागने के लिए थोड़ा मूल्यवान समय के बदले में। नारू सभी रक्त के दागों को धोने के लिए नदी में भाग गया। अपने रिश्तेदारों को खोने से उसका बेहद दर्द हो गया। उसका मूड शांत नहीं हो सका। सौभाग्य से पालतू कुत्ता हमेशा उसके साथ रहता है। जब नारू ने आराम किया तो उसने गलती से फ्रांसीसी नाम ने उसे अपहरण कर लिया। उसने चुपके से पत्थर से अपना सिर तोड़ दिया। चोरी के पास लौटने का एक दिन होगा। इस बार यह एक शिकार बनने के लिए फ्रांसीसी वसा नाम की ओर मुड़ता है। बहुत जल्दी अमर राक्षस ने आदमी के सामने हवा का पीछा किया, ऐसा नहीं कहने के लिए कि उसे देखकर नहीं। अचानक नारू राक्षस के पीछे दिखाई दिया, जिससे सिर को ट्रिगर तैयार करने का लक्ष्य था। फिर जल्दी से राक्षस की लोहे की टोपी लूटे। इस बार राक्षस पूरी तरह से गुस्से में था, क्योंकि अपनी लोहे की टोपी को खोजने के लिए राक्षस नारू के जाल में चला गया। इस समय नारू पेड़ पर घात लगाकर घूमा था। दिखाई देने के अवसर की प्रतीक्षा में नारू राक्षस की पीठ पर कूद गया और चाकू मार दिया, लेकिन इसे उसके द्वारा फेंक दिया गया था। बस जब म्यूट मॉन्स्टर नारू की जान लेने वाला था तो कुत्ते ने एक बार फिर नारू को बचाया। कुत्ते द्वारा बनाए गए मौके का लाभ उठाते हुए नारू जल्दी से तलवार पाने के लिए भाग गया। केवल राक्षस को नाचते हुए देखें, लेकिन बहुत अधिक बल के कारण दाहिना हाथ ट्रंक में फंस गया है। बहुत जल्दी नारू ने तलवार उठाई और अपना दाहिना हाथ तोड़ दिया। अचानक एक हाथ खोने से राक्षस को ऊपर रखने में असमर्थ बना दिया गया। इसने नारू को जीवन भर देने के लिए विनम्र को झूल दिया। नारू अपने नुकीले लोगों का समर्थन नहीं कर सकता था, फिर अपने दांतों को सीधे अपने दांतों से मार दिया। उसके कुछ समय बाद ही माहौल जल रहा था। उसने अपने पैरों को छुरा घोंपने के लिए कुत्ते के साथ समन्वय किया, फिर अपनी गर्दन को निचोड़ने के लिए राक्षस के सिर पर चढ़े। प्रतीक्षा करें जब तक कि नारू को बाहर नहीं फेंका गया। उसने तुरंत रस्सी खींच ली। राक्षस ऐसा था जो दलदल में खींच लिया गया था। राक्षस के बाद सब कुछ वापस शांति के लिए नष्ट हो गया, लेकिन नारू को पता था कि यह अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसा कि अपेक्षित था, पोखर से राक्षस धीरे धीरे उठ गया। उसके सामने महिला कुत्ता को घूर रहा था। इसने हथियार को उसकी पीठ के पीछे ले लिया और नारू भी लंबे समय तक इस पल का इंतजार कर रहा था। वह क्षण जब राक्षस ने लॉन्च करने के लिए तैयार किया, लेकिन भाग्य की व्यवस्था की गई थी।
यह उम्मीद नहीं थी कि लेजर रे को उसके सिर पर लक्षित किया गया था। फिर टाइयू ने एक दौर उड़ाया और सफलतापूर्वक खुद को देखा। इस बार इसे पुनर्जीवित करने का कोई तरीका नहीं है, नारू ने उत्साह से चिल्लाया। वह राक्षस के सिर को वापस जनजाति में ले गई। एक रोमांचकारी अनुभव ने नारू को जनजाति की जनजाति बनने में मदद की है। और हाँ, कुत्ते की खूबियाँ।